हेलो एवरीवन। सो कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। डेली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 8 दिसंबर। सो कंपनी का ट्रेंड चेंज कुछ इस जगह से हुआ था एंड तब से लेके अब तक कंपनी अपने अप ट्रेंड को बरकरार बनाए हुए है। हालांकि अगर मैं कंपैरिजन करूँ बायर्स और सेलर्स का स्कैंडल इस चार्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सेलर्स स्ट्रांग है, क्योंकि एक बुल मूव आता है, बुल मूव आने के बाद सेलर्स उसी मूव के बाद में कैंडल्स को उसी जगह पे ले आते हैं जहाँ से कैंडल्स ने चलना चालू किया था। जैसे हम ठीक ठीक यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, कुछ इस जगह पे देखिए, कैंडल्स ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वापस से सेलर्स ने मूव कैंडल्स वहीं पे लाकर रख दी। बट इसको भी अगर इग्नोर करें तो यहाँ पे एक चीज और थी, सपोर्ट लाइन। ये और कंपनी अपनी सपोर्ट लाइन को काफी अच्छे से फॉलो करते हुए चल रही है। पहली बार सपोर्ट कैंडल कुछ यहाँ बनाया, सेकेंड टाइम सपोर्ट यहाँ बना, सेकेंड टाइम जो सपोर्ट बनाया है वहाँ पे कैंडल्स ने कम से कम एक हफ्ते तक अपना टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद आज की कैंडल ने आके, यानी कि जो आज वर्किंग हुई है मार्केट में, आज की कैंडल ने क्लोजिंग दी है और आज की ही कैंडल ने 9% गेन किया है अपसाइड में कुछ यहाँ से, और ब्रेकआउट कुछ इस जगह से मिली है। अब ब्रेकआउट डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल किस चीज़ की कैसी बनी है। जैसी ब्रेकआउट कैंडल में बोलता हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल अच्छी हो, अपर शेडो ना हो और साथ में वॉल्यूम के साथ में हो, ये वही है बिल्कुल। सो देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे कैंडल देखिए, अपर शैडो छोटी है और साथ में वॉल्यूम भी है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रांग है बायर के कंपैरिजन में, कैंडल तो अच्छी बन गई है बट माइट भी कुछ परसेंट चांसेस हैं कि अभी भी ऊपर चलने में थोड़ी सी लेजीनेस ये दिखाए, क्योंकि प्रीवियस में कुछ ऐसा रहा है। प्रीवियस का अगर पुराना ट्रेंड देखें, पुरानी इसकी चाल देखें, तो पुरानी चाल देख के आगे यही लगता है कि फिर से कुछ इस टाइप की मूवी कैंडल द्वारा कर सकती है, ठीक है। बट इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि चार्ट कैसे पढ़ा जाता है, कि चार्ट आगे अच्छा है या बुरा, वो बताता हूँ वॉल्यूम के थ्रू। यहाँ पे कैंडल्स ऊपर भी गई है, नीचे भी आई है, दोनों चीज हुई है। और यहाँ वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे कैंडल्स एक बार ऊपर गई हैं, वहाँ पे वॉल्यूम्स बने हैं, और यहाँ पे कैंडल्स नीचे आई हैं, वहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूस हैं। अब वॉल्यूम्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब प्राइस नीचे जाए और वॉल्यूम्स निल हों, वॉल्यूम्स ना हों, इसका मतलब ये है कि कंपनी की प्राइस नीचे आ रही है और कोई भी सेलिंग नहीं है। यानी कि वॉल्यूम का मतलब है ट्रांजेक्शन, कि इतने शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। अगर प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम्स नहीं है, तो यानी कि कोई भी सेलिंग इसके अंदर नहीं है। और जब प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम्स हैं, इट मींस कि प्राइस नीचे आ रही है और कंपनी में शेयर बेचे जा रहे हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है ऊपर चलने पे, जब प्राइस ऊपर चले और वॉल्यूम बने, तो साफ साफ है कि प्राइस जा रही है, मतलब बाइंग हो रही है, यानी कि इसमें अंदर शेयर को खरीदा जा रहा है। तो यही वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। और ब्रेकआउट में बात हमने करी ली कि ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अब आगे देखते हैं कि आगे की चाल कंपनी कैसे करती है, आगे किस टाइप मूवमेंट कंपनी अंदर रहने वाली है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।